That's Brown's Farmers Market. Hello everyone, welcome back. Welcome back to my lecture again. I hope you are doing good. 5 minutes का break आपने ले लिया और अब BCR के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं law. क्या आप लोग ready हो? चलो जल्दी से आ जाओ यार. Hi, hi Tamanna, hi Shahid, where are you all? One second. 5 minutes का ब्रेक कम हो गया क्या सबको? आ गए? चलो चलो हम लोग स्टार्ट करें. क्या मैम आज आप पढ़ाने वाले हो? आज हम लोग सेकेंड केस पढ़ेंगे, सेकेंड केस लॉ पढ़ेंगे, जो फाउंडेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लॉ पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है वो केस लॉ की सीरीज है, जहां पे मैं एक केस लॉ हर रोज पढ़ाती हूँ. तो एक केस लॉ आप मेरे साथ रोज पढ़ोगे, जो हम एक 15 मिनट्स में वो केस लॉ खत्म करेंगे. और ऐसे करके हम हमारे जो कोर्स में, जो आपके फाउंडेशन के लॉ के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो सारे कंप्लीट करेंगे. तो सिर्फ मेरे साथ रहो और धीरे धीरे आपके केस लॉज आपको याद भी हो जाएंगे नाम के साथ. दैट इज माय प्रॉमिस टू यू. आपको नाम के साथ केस में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जजमेंट क्या आया था, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी. और फिर हम उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे कि केस लॉ को कैसे लिखना होता है. ठीक है, चलो. मैम कौन सा केस लॉ है ये? तो आप ये पढ़ सकते हो जो दिनशॉ है सर दिनशॉ. यस, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी राशि. एक बार सारे केस लॉस पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे केस लॉस की. ऑलराइट, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉस है रोज एक करके. मे बी हो सकता है कि अभी मैं 3-4 दिन में रोज 2-3 केस पढ़ाना स्टार्ट करूं. तो ऐसे करके हम जल्दी से सारे केस लॉस पढ़ लेंगे और फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना? यस, चलो. अभी ये जो केस लॉ है ना, ये है सर दिनशॉ. ये जो सर दिनशॉ थे, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग आदमी थे. बहुत ही होशियार, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग. बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो. उनके पास ना बहुत पैसा था, बहुत पैसा था. ये देखो, ये है सर दिनशॉ. ये मूछे है, ओके. ये है सर दिनशॉ. और इस सर दिनशॉ के पास बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे. उनको मेजर जो उनका इनकम है ना, वो आता था इंटरेस्ट से और डिविडेंड से. जो उनका मेजर इनकम है वो उनको आता था इंटरेस्ट से और डिविडेंड से. बेचारे बहुत टैक्स पे करते थे. पैसा ही इतना था भाई, टैक्स तो पे करना पड़ेगा. इतना पैसा कमाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा. गवर्नमेंट आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगी. तो अभी ये दिनशॉ बड़े वेल्दी मैन थे, बहुत सारा पैसा था, तो उतना पैसा तो उतना टैक्स भी. बेचारे हमेशा बहुत सैड होते थे, हमेशा बहुत मायूस होते थे. दिन रात सोचते रहते थे, हे भगवान, मुझे इतना टैक्स क्यों पे करना पड़ता है? क्या ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ जहां पर मुझे इतना टैक्स ना पे करना पड़े? दिन रात यही सोचते रहते थे. फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया. इंटरेस्ट और डिविडेंड पे वो जितना भी टैक्स पे कर रहे थे ना, उनके दिमाग में एक बहुत बढ़िया सा आइडिया आया. क्या मैम? तो ये दिनशॉ ने क्या किया, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए 4 प्राइवेट कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया. तो क्या मैम ये कंपनीज है? यस, ये कंपनीज है. ठीक है, देखो ये बिल्डिंग्स है कंपनीज की. तो ऐसे 4 कंपनीज को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और ये जो इनकम है ना, ये उन्होंने 4 कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया. ये इनकम 4 कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया और वापस इन्हीं सारी कंपनीज ने उनको वो इनकम वापस दे दिया. मतलब मैम ये क्या बात हुई? यस, इन लोगों ने इनकम ट्रांसफर कर दिया और वापस उन्होंने कंपनी से लोन बोल के वो पैसे ले लिए. मतलब मैंने आपको 10 रुपए दिए और मैंने वापस 10 रुपए आपसे लोन में ले लिए. मैम ये क्या हुआ? ये तो कंफ्यूजन वाली बात है. आपने हमको 10 रुपए दिए और वापस 10 रुपए लोन पे ले लिए. यस, बट इसमें उन्होंने टैक्स कैसे सेव किया? तो देखो, जब ये दिनशॉ है ना, जब अपना अकेला टैक्स पे करते थे और काफी हाई टैक्स होता था, तो उनको सबसे ज्यादा हाई स्लैब लगता था. आपको पता है टैक्स में कैसे होता है ना,
जैसे जितना ज्यादा मेरा इनकम उतना ज्यादा मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, उतना ज्यादा हाई परसेंटेज पे मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। तो सपोज मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हूं तो मुझे 30% पे सपोज टैक्स पे करना पड़ेगा एग्जाम्पल बेसिस पे। तो जितना मेरा इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा टैक्स रेट मुझे लगेगा। तो इसको सबसे ज्यादा हाई टैक्स रेट लगता था बिकॉज उतना ज्यादा इनकम था। तो डेंचुआ ने दिमाग क्या लगाया, इनकम चारों कंपनीज को दे दिया। अभी चारों कंपनीज में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 लाख है और 10 लाख में उसने, 10 लाख नहीं 8 लाख मान लेते हैं, ये सपोज 8 लाख है, तो 8 लाख में उन्होंने 2 लाख इस कंपनी को, 2 लाख इस कंपनी को, 2 लाख इस और 2 लाख इस, ऐसे चारों कंपनीज को डिवाइड कर दिया और 2 लाख वापस सारे पैसे वापस लोन बोल के ले लिए। अभी लोन पे कभी भी टैक्स नहीं पे करना होता है। बट आप यहाँ पे बोलोगे मैम इन कंपनीज ने तो टैक्स पे किया होगा ना। यस कंपनीज ने टैक्स पे किया होगा, बट देखो अभी इंडिविजुअल कंपनी का इनकम तो कम हो गया। क्या ये इंडिविजुअल कंपनी का इनकम 10 लाख होगा अभी? नहीं, ये तो सिर्फ 2 लाख होगा। मतलब यहाँ पे टैक्स रेट भी कम लगेगा बिकॉज इनकम कम है। तो ऐसे करके उसने टैक्स सेव कर दिया, क्या कर दिया, अपना इनकम चारों कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इंडिविजुअल कंपनी का इनकम कम हो गया। इस कंपनी का सिर्फ 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है। तो अपने आप टैक्स उसका कम हो गया। अगर ये अकेला टैक्स पे करता था तो पूरे 10 लाख पे काफी ज्यादा बड़े टैक्स रेट पे उसको टैक्स पे करना पड़ता था। क्या स्मार्ट आदमी था मैम, क्या स्मार्ट आदमी था। इस पर्पज के लिए उसने ये कंपनीज बनाई। तो यहाँ पे पर्पज क्या था, क्या मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे पर्पज क्या था, बोलो ना यहाँ पे पर्पज क्या था। बहुत सिंपल पर्पज है, क्या पर्पज होगा, टैक्स इवेजन। कौन से पर्पज के लिए उसने बनाया, टैक्स इवेजन। सो बेसिकली ये चारों भी कंपनीज का क्या कोई काम था, कोई काम नहीं था। क्या वो चारों भी कंपनीज कोई बिजनेस चलाती थी, कोई बिजनेस नहीं करती थी। इन चारों भी कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का बस एक ही पर्पज था कि टैक्स के रेट को कम करो और टैक्स सेव करो, टैक्स इवेजन करो, टैक्स सेव करो। सो बेसिकली ये जो कंपनीज थी, भले कंपनीज का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, भले कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है, बट क्या ये जो दिनशॉ है, सर दिनशॉ है, जो ये आदमी है, क्या उसने इस प्रिंसिपल का गलत फायदा उठाया, क्या उसने सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाया। यस ऑब्वियसली मैम, अगर ये कंपनीज कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ये भाई साहब ऐसे चारों कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो लॉ का गलत फायदा उठाना हो गया। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ये जो प्रिंसिपल है उसको दिनशॉ ने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, तो ऑब्वियसली लॉ क्या कहेगा, तो जजमेंट क्या पास होगा, जजमेंट यही होगा कि आप ऐसे प्रिंसिपल का गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं, हम यहाँ पे इन कंपनीज को अलग नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे इन कंपनीज को लीगल एग्जिस्टेंस नहीं देंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि आपने ये जो कंपनीज फॉर्म किए ये एक्चुअल कंपनीज है, बिकॉज कंपनीज में कोई बिजनेस तो है नहीं। और जो भी लोन दिनशॉ ने इन कंपनीज से लिया था, अपने ही पैसे वापस लोन बोल के दिनशॉ ने लिए थे, वो दिनशॉ ने कभी रीपे भी नहीं किए, कभी रीपे भी नहीं किए। मतलब ये जो 2 लाख 2 लाख 2 लाख थे ना, वो कभी भी दिनशॉ ने रीपे भी नहीं किए। इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो कंपनीज का एग्जिस्टेंस है ये सिर्फ ऑन पेपर है, एक्चुअल में ये कोई कंपनीज है नहीं, एक्चुअल में वो कंपनीज कुछ काम करती है नहीं, उनका बस एक ही पर्पस था टैक्स बचाना। तो ऐसे केस में जजमेंट आ गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, तो अभी उसमें नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान में रखो यहाँ पे जजमेंट क्या आ गया, यहाँ पे जजमेंट आया कि इन कंपनीज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। कॉर्पोरेट विल मतलब बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी, वो यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगा। सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब क्या, कि जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंपनीज को एक प्रिंसिपल दिया गया कि आप अलग हो, शेयर होल्डर्स अलग है, कंपनी अलग है, वो यहाँ पे लिफ्ट हो गया। मतलब दिनशॉ को और कंपनीज को यहाँ पे एक ही माना गया। हमने जो सैलमन केस पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंपनीज अलग होती है, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो लीगल एग्जिस्टेंस के लीगल एग्जिस्टेंस का इस्तेमाल करके ऐसे कुछ गलत चीजें करो, ऐसे कुछ टैक्स इवेजन करो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वो जो लीगल एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल था उसको उठाया गया। सो बेसिकली कॉर्पोरेट विल को उठाया गया, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया। अच्छा मैम,
ये केस लॉ को हम याद कैसे रखें? तो देखो यहाँ पे मैं आपको केस लॉ को याद करने का बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। यस, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, वेरी गुड। अभी देखो मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। सर दिनशॉ, नाम क्या है कभी नहीं भूलोगे, नाम क्या है? दिनशॉ। दिन मतलब क्या? दिन मतलब क्या बोलो ना, दिन मतलब डे है ना, दिन मतलब क्या? दिन मतलब डे। तो एक दिन में चार कंपनीज बनाई, बिकॉज दिन के बाद अल्फाबेट्स कितने हैं? एस एच ए डब्ल्यू। तो एस से एक कंपनी बनाई, एच से एक बनाई, ए से एक बनाई और डब्ल्यू से एक बनाई। क्या इजी है? क्या अभी पूरी लाइफ याद रखोगे? सो सर दिनशॉ का मतलब दिन में चार कंपनीज बनाई। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये केस कौन सा था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ और टैक्स इवेजन का केस था। कौन सा केस था? टैक्स इवेजन। ठीक है, क्या चल रहा है? आई होप आपको केस लॉ समझा। ओके, क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे याद रखना है? तो एक दिन में क्या किया, चार कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया। और क्यों किया इनकॉर्पोरेट? क्योंकि टैक्स बचाना था। तो जैसे ही दिनशॉ ने चारों कंपनीज को इनकम ट्रांसफर कर दिया, अपने आप टैक्स कम लगा। तो बस यही पर्पज से चार कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया था। ऑलराइट, क्या याद रह जाएगा? क्या आपको ये केस लॉ का नाम अच्छे से याद रह जाएगा? दिन में चार कंपनीज, सो सर दिनशॉ, और प्रिंसिपल था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और हमारा ये जो था जो मेन रीजन था कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का, दैट वाज टैक्स इवेजन। ओके, परफेक्ट। अब मैं आपको मिलूंगी कल एक नए केस लॉ के साथ। तो प्लीज अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताओ मुझे, लेक्चर लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑल टुमारो अगेन, बाय बाय, टेक केयर। एंटर में मैं आकाश जल्दी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो एंटर में भी मैं जल्दी से आने वाली हूँ और एंटर में भी मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। सी यू ऑल। यस, मैं सेक्शन भी करवाऊंगी अभिषेक, मैं अभी प्लान कर रही हूँ, शायद दो दिन में मैं वो सेक्शन की भी बैच लॉन्च करूँ। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके फाउंडेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो यहाँ पे कवर करूंगी। तो दो दिन में शायद मैं उसे लॉन्च करूंगी। चलो कल मिलते हैं विथ वन न्यू केस लॉ। अभी हम थोड़ा सा दो दो केस लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट्स में एक केस लॉ, 5-10 मिनट्स में एक केस लॉ। तो कल मैं शायद, हो सकता है कि मैं दो केस लॉ पढ़ाऊ या एक पढ़ाऊ, बट आपके एग्जाम तक मेरा प्रॉमिस है कि हम सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस को कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो सी यू सून, बाय बाय।